इंटरनेशनल क्रिकेट में ना मौके बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं अगर आप उनको यूटिलाइज नहीं करें, इस्तेमाल नहीं करें, तो जब वो मिलना बंद हो जाते हैं ना, तब लगता है कि काश पहले वाले मौके इतने बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किए गए होते कि सवाल या निशान नहीं उठता। चाहे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात हो या भारतीय टीम इन कलेक्टिवली टीम की बात हो, इंडियन टीम के पास भी अवसर था कि कम से कम श्रृंखला के अंदर, जो हम श्रृंखला इतने समय से ढूंढ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से जीतें, चाहे घर में या बाहर में, वो सिर्फ मैचेस नहीं श्रृंखला जीतें, तो श्रृंखला को पहले बराबरी पे लाने का अवसर था अगर सेकेंड वनडे इंटरनेशनल भारतीय टीम जीतती। पर ऐसा हुआ नहीं। फिर से ऑस्ट्रेलिया जो स्ट्रेंथ है, जो बिलीफ है, और मैच में लास्ट तक डटे रहने का जो एक कॉन्फिडेंस है ना कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से एक अच्छी इनिंग्स खेल देगा, अच्छा स्पेल डाल देगा, वो एक बार और देखने को मिला। जब मैच शुरू हुआ था तो हरमनप्रीत कौर ने कहा कि वो बॉलिंग करना चाहती थी टॉस पर, और अलिसा हेली ने कहा कि वो बैटिंग करना चाहती थी। ऑस्ट्रेलिया ने एक बदलाव किया, मेगन शूट की जगह किम गार्थ आई थी, क्योंकि मेगन शूट थोड़ी इंजर्ड थी, चोटिल थी। दूसरी तरफ भारतीय टीम ने स्मृति मंधना के अंदर आने पर शेफाली वर्मा के स्थान पर जगह बनाई। एक और था, साइका इशाक की जगह श्रियंका पाटिल टीम के अंदर आए। ऐसा जरूर लगा कि कहीं ना कहीं एक मैसेज है, खासतौर पर शेफाली वर्मा को, क्योंकि पिछले पाँच जो इनिंग्स खेले हैं उन्होंने, या कहें कि पिछले एक साल में जो वनडे इंटरनेशनल्स खेले हैं, उसमें कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है। उनके नंबरों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी थी वो शिवाली के पास थी जरूर। हालांकि सेकंड वनडे इंटरनेशनल में स्मृति मंधना ने ओपन करना था, सामने से यस्तिका भाटिया थी, लेकिन उनकी बारी बाद में आनी थी। पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी फीबी लिशफील्ड, जहां उन्होंने छोड़ा था पहले मैच में, प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी, वहीं से शुरू किया। हालांकि उनकी इनिंग्स थोड़ी सी स्लो जरूर थी इन कंपैरिजन टू जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑस्ट्रेलियाई युवा खिलाड़ी से, लेकिन वो इनिंग्स हमेशा प्रोग्रेसिव इनिंग्स थी। सामने से बहुत ज़्यादा साझेदारी मिल नहीं रही थी। अलीस पेरी ने एक अच्छी नॉक खेली शुरुआत में, थोड़ा बहुत अलीसा एली ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन फीबी लिशफील्ड अपने एंड पे डटी रही, और ये अपॉर्चुनिटी की बात थी जो उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया शुरुआती दौर पे प्रदान कर रहा है। हालांकि जब टारगेट 258 रनों का था, वो इतना बड़ा टारगेट नहीं था, और भारतीय टीम को खुश होना चाहिए था, क्योंकि दीप्ति शर्मा का एक बहुत बढ़िया स्पेल है। 5 विकेटें अगर आप एक दिवसीय मैचों के अंदर लेते हैं तो वो 100 रनों से कम नहीं होते, और मुझे लगता है कि वो 5 विकेटों का जो स्पेल था वो आउटस्टैंडिंग था, वो एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी। अगर भारतीय टीम जीती तो कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस सबसे ऊपर रैंक करती। हालांकि कंट्रीब्यूशन बाकी गेंदबाजों से भी थी, लेकिन जो एक्सपेल दीप्ति शर्मा का था टेस्ट मैच से लेकर वनडे इंटरनेशनल पर, ये प्रोग्रेशन दिखा उनका। जब भारतीय टीम चेस करने के लिए आई तो कभी भी मैच में सेटल्ड नहीं दिखी, ना यस्तिका भाटिया सेटल्ड दिखी। हालांकि एक्सेलेंट डिसीजन अलीसा हीली का कि वो एक जाती रिव्यू लेने के लिए, और उन्होंने फोर्स किया किम गार्थ को कि मैं रिव्यू लेती हूँ। उसके बाद स्मृति मंधना के पास अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो इतनी सेटल्ड दिखी नहीं, पिछला मैच खेली नहीं थी फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल, तो वो एक प्रॉब्लम, शी वॉज कमिंग टू टर्म्स कि पिच कैसी बिहेव करेगी, कितना मुझे तेज़ खेलना है, स्लो खेलना है। और ऋचा घोष के साथ साझेदारी चल जरूर रही थी, लेकिन दौड़ नहीं रही थी भारतीय टीम के लिए जो एक्सपेक्टेड था, खासतौर पर जब ऋचा घोष को आप नंबर 3 प्रमोट कर रहे हैं अहेड ऑफ दीप्ति शर्मा, और एक पर्पस था उनका प्रमोशन का। ऋचा घोष ने 96 का नॉक खेला जरूर, लेकिन अगेन वो ना खुश होंगी, क्योंकि शतक जब आप 90 प्लस पहुंच जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो शतक माइंड में ज़रूर आता है, और उसके पहले की जो भी नॉक खेली थी, चाहे अपॉर्चुनिटी दी नहीं दी, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन 100 रन बनाना और मिस करना वो ज़रूर आपके हाथ में। सो शी डेफिनेटली मिस्ड 100। लेकिन कैचेस पहले भारतीय टीम ने छोड़े, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम ने छोड़े। भारतीय टीम ने 7 कैच छोड़े, और 7 कैच छोड़ने के बाद 258 पर ऑस्ट्रेलिया टीम पहुंची थी। और अगर वो 7 कैच आप नहीं देखे, और अगर आपको मौका मिलेगा देखने का, तो मैं शब्दों से जान लीजिए कि कोई भी ऐसा कैच नहीं था जो आप कहेंगे कि अरे ये नहीं पकड़ा। सारे इतने सिंपल कैचेस थे जो खुद इन खिलाड़ियों ने फील्डिंग प्रैक्टिस सेशंस में बहुत आसानी से पकड़े होंगे, और बाकी मैचेस में ही पकड़े होंगे। इवेंचुअली जो एक मौका था मैच में, जहां इंडिया टीम को पुश ऑफ करके जीत की तरफ जाना चाहिए था, वो था अपॉर्चुनिटी जब ऋचा घोष और जेमिमा रॉड्रिक्स बैटिंग कर रही थी। जेमी आउट हुई तो ऋचा ने थोड़ा तेज गति से रन बनाने लगे, लेकिन जब ऋचा घोष आउट हुई तब भी 40-45 रन चाहिए थे 7 ओवरों के अंदर, और वहां से वो रन चेज होने चाहिए थे, कंसिडरिंग कि दीप्ति शर्मा, अमनजोत,
पूजा वस्त्रकर, हरलीन दियोल जो कंकशन सबसे आई थी वो वहां से चेस होने चाहिए थे। एंड ऑन एनी गिवन डे मुझे लगता है इंडियन टीम भी यही सोचेगी कि वहां से आपके आखिरी 7 ओवरों में अगर आपके पास 40 रन भी हों चेस करने के लिए तो बहुत मुश्किल स्थिति थी नहीं वो जब आपके पास विकेट्स हाथ में हों। लेकिन एक बार और ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम चेस कर नहीं पाई। बहुत सारे एंगल्स रहेंगे। ऑफ कोर्स पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पे हरमन ने कहा कि अगर ऐसे कैचेस छूटते हैं तो कोई बात नहीं, खराब दिन रहता है। लेकिन आप खराब दिन इंटरनेशनल क्रिकेट में उम्मीद नहीं करते इस स्तर पर, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी गलती। कितना महंगा पड़ा कैचेस छोड़ना, कितना महंगा पड़ा एक मैच क्लोज ना कर पाना एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। छोटी छोटी चीजें जब यहाँ से भारतीय टीम पिक करने जाएगी और देखेगी कि क्या जब पहले गेंदबाजी कर रही थी वो कैचेस फीबी लिशफील्ड के, एलिसा हिली के, हर बल्लेबाज के कैचेस लेने चाहिए थे, गेंदबाज सोचेंगे लेने चाहिए थे, ऑफकोर्स वो कितना कॉस्टली लगा। शायद ऑस्ट्रेलिया 200 रन या 220 के अंदर रोकी जा सकती थी। वहां से जब बैटिंग करने के लिए आए तो क्या टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस सही था, क्या उनका अप्रोच सही था, क्या ऐसे मौके आए थे मैच के अंदर जहां 6 या 7 रनों के औसत से रन बनाए जा सकते थे, रनिंग इन बिटवीन विकेट्स बेहतर हो सकती थी, डॉट बॉल परसेंटेज बेहतर हो सकता था, लेस हो सकता था। आई एम श्योर ये मौके आए थे, ये सारे डिस्कशन पॉइंट्स में भी आएंगे। लेकिन यहाँ से भारतीय टीम निकल कर कैसे आएगी? सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन जिस तरीके से मैं आप कर रही थी ना, अपॉर्चुनिटीज, फीबी लिशफील्ड, एनेबल सदरलैंड, अलाना कहेंगे, ये सारे बड़े नए प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया लाइनअप के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि अब मैग लैनिंग जैसे सीनियर खिलाड़ी नहीं है, अलिसा हिली हैं, लेकिन ये सारे युवा खिलाड़ी हैं। और अलिसा हिली ने कहा भी कि बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं इस टीम के आसपास जो अपना कार्य, अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। एनेबल सदरलैंड प्लेयर ऑफ द मैच, उनको विकेटें भी मिली, उन्होंने रन्स भी बनाए थे टुवर्ड्स द एंड, और कितने इंपॉर्टेंट रहे वो रन्स जो एनेबल सदरलैंड ने और अलाना किंग ने बनाए, वो मैच में कहां से कहां ले गए। भारतीय टीम आगे जाने में नाकामयाब हुई और ऑस्ट्रेलिया टीम ने एक बार और दिखा दिया कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार है, इररिस्पेक्टिव आप अपने कंडीशंस में खेलें या उनके कंडीशंस में या न्यूट्रल वेन्यूज पे खेलें। क्या बदलाव ऑस्ट्रेलिया करना चाहेगी और क्या बदलाव इंडियन टीम अपने एंड के मैच में, लास्ट मैच ऑफ द सीरीज, थर्ड वनडे इंटरनेशनल में करना चाहेगी, करना भी चाहेगी या नहीं करना चाहेगी, ये आप बतलाइए। क्योंकि बहुत जल्दी भारतीय टीम को कुछ जरूर सोचना होगा, थर्ड वनडे इंटरनेशनल भी है और उससे पहले उसके बाद T20 श्रृंखला भी है। समय है न्यू ईयर मनाने का, रेस्ट करने का और फिर ऑफ कोर्स थर्ड वनडे इंटरनेशनल की प्रेपरेशन करने का। आप जरूर बताइए कि भारतीय टीम क्या बदलाव करना चाहेगी और अगर क्या करना चाहेगी तो वो किस डिपार्टमेंट में होगा, बैटिंग, बॉलिंग या कहीं मे बी नो चेंजेस। ये आपका होमवर्क है। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।